कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ तो प्रेमी भजनों, भजन कहाँ से के वो नरसी भगत हरनंदी का भात भरने के लिए चल पड़ता है साधु महात्माओं को संग में लेके टूटी सी गाड़ी जोड़ के। वो नरसी भगत कृष्ण भगवान से अरदास करता है कि मुरली वाले ओ गिरधारी, तूने भक्तों की सदा लाज बचाई है, मेरी भी लाज बचा। इस भजन के माध्यम से नरसी भगत क्या कहता है सुनिए। चल्या बात भरण नरसी घणी तंगी लाचारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। चल्या बात भरण नरसी घणी तंगी लाचारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। एक बाप किया ममता ना पड़े काल जैसील, एक बाप किया ममता ना पड़े काल जैसील, ना ब्योत मेरा चूंदड़ का ना पल्ले कोए तीर, ना ब्योत मेरा चूंदड़ का ना पल्ले कोए तीर। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, सिर पे संकट भारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। नंदी सोचेगी मेरी चुंदड़ी आवेगी, हर नंदी सोचेगी मेरी चुंदड़ी आवेगी, जै खाली हाथ गया तो घट इज्जत जावेगी, जै खाली हाथ गया तो घट इज्जत जावेगी। इब और के बोलू मैं, इब और के बोलू मैं, प्रभु थम जानो सारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी, मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। हाथ की तंगी ने मैं घना सताया सूं, इस हाथ की तंगी ने मैं घना सताया सूं,
एक यार पुराने पै मांग के गाड़ी लाया सू एक यार पुराने पै मांग के गाड़ी लाया सू मेरे साथ चले साधु मेरे साथ चले साधु रट के मारा थारी मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। वो नरसी कृष्ण भगवान को याद करता है कि ऐ मेरे परमात्मा ऐ मेरे मालिक तू सजा सच का हिमाती बना है और सच्चे का तूने साथ दिया है कैसे क्या करता है। तू सच्चे का साथी सच करके आज दिखा दे तू सच्चे का साथी सच करके आज दिखा दे तेरे भगत सनरसी की प्रभु आके लाज बचा दे तेरे भगत से नरसी की प्रभु आके लाज बचा दे मैनू तो जानू सू मैनू तो जानू सू ओ थारी लीला है न्यारी तेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी चला बात भरण नरसी चला बात भरण नरसी ओ घणी तंगी लाचारी मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी ओ मेरी लाज बचानी से तन्ने ओ गिरधारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ तो प्रेमी भक्तजनों भजन कहाँ से के बताते हैं जब वो नरसी भगत हरनंदी के बात भरने के लिए जाता है तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान जी नरसी भगत के साथ में हरनंदी का भाई बनकर भात भरने के लिए जाते हैं और उधर वो हरनंदी अपनी पड़ोसनों के ताने सुन सुनकर जहर खाने के लिए तैयार हो जाती है और उधर से वो कृष्ण भगवान इस भजन के माध्यम से आवाज लगाते हैं कैसे क्या कहते हैं सुनिए बड़े प्रेम से कैसे। ले मन की चाई ऐसा बात मवर के जांगा हो जा वाही वाई हरनंदी तेरा भाई आया कर ले मन की चाई हरनंदी तेरा भाई आया
नेग बने मैं देखकर सारे जाऊंगा, जितने बहे आँख ते आंसू उतना धन बरसाऊंगा। जिसने दिए पहाड़ ते ताने नीची नाड़ कराऊंगा, ओ कखड़ा मैं तेरे पाटड़े तेरा मान बढ़ाऊंगा। ओ कखड़ा मैं तेरे पाटड़े तेरा मान बढ़ाऊंगा। ईब पोछले आँख ते आंसू बहना क्यों घबराई, किशमिश पेड़े में बरफी सवा पैर तक बरसाऊंगा, बहना मोर असर भी हर नंदी तेरा भात देख के आल जावेगी धरती। दुनिया में कोई बाहर सबर ना तेरे जैसा करती, दुनिया में कोई बाहर सबर ना तेरे जैसा करती। आया बनक भाई धर्म का समझी माँ की जाई, ए हर नंदी तेरा भाई आया कर ले मन की चाई, ऐसा बात में भर के जाना हो जवाही वाई, हे हर नंदी तेरा भाई। ऐसा बात भरू हर नंदी जो बन जागा एक मिसाल, सासू ननद कदे ताने मार के नहीं करेगी तन्ने काल। वचन से तेरे भाई का कदे होवन द्यू ना बाका बाल, साची आत्मा ते बसिए मेरी बाण तू सुथरी डाल, साची आत्मा ते बसिए मेरी बाण तू सुथरी डाल। आर के खेड़ी गुरु जनों ने ऐसी थी बतलाई, हर नंदी तेरा भाई आया कर ले मन की चाई, ऐसा बात मैं भर के जांगा हो जावाही वाई, हे हर नंदी तेरा भाई आया कर ले मन की चाई, ऐसा बात मैं भर के जांगा हो जावाही वाई।
नाथ जी महाराज की जय हो। नौ नाथ 84 सिद्धों की जय हो। बोल बाबा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जय हो। हाँ तो प्रेमी भक्तजनों, भजन कहाँ से, वो सरस्वती माँ इस भभूत को कुरुड़ी के अंदर भगा के आ जाती है और 12 साल के बाद बाबा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कुरुड़ी के ऊपर अलख जगाते हैं तो कुरुड़ी के अंदर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है सुनिएगा इस भजन के माध्यम से, जिसको लिखा है हमारे बड़े भाई आर के गोराखेड़ी ने और जिसको सुना रहे हैं सुमित कलान और वे साथी। बड़े प्रेम से सुनिए कैसे। हो गए 12 साल इब तो कर लो मेरा ख्याल मच्छिंद्र नाथ गुरु। हो गए 12 साल इब तो कर लो मेरा ख्याल मच्छिंद्र नाथ गुरु। मैंने करवट खाई भभूति कुरड़ी बीच बगाई। ऐसी समय ने करवट खाई भभूति कुरड़ी बीच बगाई। भभूति कुरड़ी बीच बगाई इब मन निकालो बाहर मरज के करू थारा दीदार मच्छिंद्र नाथ गुरु। के 12 साल इब तो कर लो मेरा ख्याल मच्छिंद्र नाथ गुरु। बाट तुम्हारी पल पल कटिया गुरुजी भारी रया देखता बाट तुम्हारी। ओ रया देखता बाट तुम्हारी अब करो कृपा दो छार में आके देखूं यो संसार मच्छिंद्र नाथ गुरु। हो गे 12 साल परीक्षा नाथ मन लेना थारे पे ज्ञान सदा थारे चरणा राखूं ध्यान मच्छिंद्र नाथ गुरु। हो के 12 साल इब तो कर लो मेरा ख्याल मच्छिंद्र नाथ गुरु। Thank you.
करता विनती कहण पुगाओ गुरु कृपा मुझ पे बरसाओ। करता विनती कहण पुगाओ गुरु कृपा मुझ पे बरसाओ। ओए गुरु कृपा मुझ पे बरसाओ तुम हो गुरु भगवान मेरा कर दो आप कल्याण मच्छंदर नाथ गुरु। बारह साल तो कर लो मेरा ख्याल मच्छंदर नाथ गुरु। हो गे बारह साल तो कर लो मेरा ख्याल मच्छंदर नाथ। हाँ तो प्रेमी भक्तजनों भजन कहाँ से के बताते हैं, जब वो दुष्ट दुशासन द्रौपदी को सभा बीच में लेकर जाता है, वो द्रौपदी उनकी माता गंधारी से पूछती है कि हे माता आपने आपके पुत्रों को क्या यही संस्कार दिए थे। इस भजन के माध्यम से वो द्रौपदी क्या कहती है, कैसे क्या बता दिया। के छत्री का धर्म बने अबला पे अत्याचारी री कैसे दिए संस्कार तने आज पूछूं माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछूं माँ गंधारी के छतरी का धर्म बने अपला पे अत्याचारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछूं माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछूं माँ गंधारी री। लाज से आते जाते की दज्जी उड़ती देख सांस मेरी सगे जेठ के नाते की ना मेरी सुधले वणिया कोई ना मेरी सुधले वणिया रो रो हे रो रो हाँ रो रो रुदन मचारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछूं माँ गंधारी। से यो वीरो का काम मन रोवे और कुरड़ावे
बाड़ खेत ने लागी खान। तू तो आजा मेरे पक्ष में, तू तो आजा मेरे पक्ष में, तू भी हाँ तू भी हाँ तू भी सैक नारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी। सासू तेरे जाए पाच। मेरे जैसी ना होगी, मेरे जैसी ना होगी कोई दूजी हाँ दूजी कर्म की हरीरी। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी। रे रे माटी होवेगी लिखा जा इतिहास तवाता दुनिया थने बगोवेगी। अरे छतरी पण पे उंगली ठावे, छतरी पण पे उंगली ठावे, आर के लिखे लिखारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी री। ये छतरी पण का धर्म बने अपला पे अत्याचारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी री। कैसे दिए संस्कार तने आज पूछू माँ गंधारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ तो प्रेमी भजनों, भजन कहां से के बताते हैं, वो सुदामा अपनी मिश्राणी के कहे से कृष्ण भगवान के द्वार पर पहुंच जाता है
और उन द्वारपालों से कहता कि भाई मैं कृष्ण का बहुत पुराना यार हूं, मुझे एक बार कृष्ण जी से मिलने दो। लेकिन वो द्वारपाल मना करते हैं। इस भजन के माध्यम से वो सुदामा क्या कहता है, सुनिए बड़े प्रेम से। जिसको सुना रहे हैं सुमित कलान और वह साथी, और म्यूजिक पर साथ दे रहे हैं मुन्ना म्यूजिकल ग्रुप बोंद से। मने मतन्या कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना, मन मतन्या कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना, मन मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना, मजबूर करया मजबूर करया लाचारी ने इस कारण पड़ गया आना, मन मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार मन मतन्या कहो बेकारी कृष्ण का यार पुराना, मैं अणखी एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का सहपाठी, मैं अणखी एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का सहपाठी, सच में बोलूं सुठो के कछाती हो, सच में बोलूं सुठो के कछाती, सब ग्रस्ती नाच स्ती नाच नचाती तब पड़ता हाथ फैलाना, मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना, मन मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना। रानी न्यू कहती सब जीते जी के मेले, मेरी मिसरानी न्यू कहती सब जीते जी के मेले, हम तो एक गुरु के चेले हो, हम तो एक गुरु के चेले, मनाया बतेरे मन हड बतेरे पेले पर समय से नाच नचाना, मन मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना, मन मतना कहो बेखारी कृष्ण का यार पुराना। बस गिरता पड़ता
घनी दूर ते आया मैं बेबस गिरता पड़ता घनी दूर ते आया हरी का प्यार खींच यो लाया ओ हरी का प्यार खींच यो शिक्षा पाई गुरु राम निवास भगत पे रे हमने शिक्षा पाई करे और के नई कविताई ओ करे और के नई कविताई पर या कड़वी कुछ नहीं गाना मन मत ना कहो भिखारी कैसन का यार पुराना मन मत ना कहो भिखारी कैसन का यार पुराना मजबूर कर मजबूर कर आना मन मत ना कहो भिखारी कैसन का यार पुराना मन मत ना कहो भिखारी कैसन का यार पुराना कैसन का यार पुराना कैसन का यार पुराना।